जैसा कि हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के सहयोगियों के साथ रहा रही है, उस परिपेक्ष में संपूर्ण देश में 2 और 3 तारीख को जो हमने अभी तक कार्य किया है और भारत परिवर्तन यात्रा परिपेक्ष में कुछ बातों को मैं रखना चाहूंगा विस्तृत रूप से हम सबके। ये थोड़ा गंभीरता से आपको ये देखना होगा, सुनना होगा कि 8 साल की जो ये यात्रा रही है, ये एक समान यात्रा नहीं रही है। देश के पूरे जनमानस के मनोभाव को बदला है, उसका स्वसम्मान को बहुत एक नए मुकाम पे पहुंचाया है। क्योंकि 2014 में जब ये शासन जो भारतीय जनता पार्टी ने ग्रहण किया दिल्ली में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो जो बीता काल था वो एक पूरे देश को एक स्टेटस कोइस्ट जिसको कहा जाता है सोच में या आशा विहीन सोच में जो है पूरा देश चल रहा, मतलब एक भाव था कि देश में कुछ नहीं हो सकता है, हुआ तो हुआ नहीं तो चलो वही स्वीकार है। और 14 के बाद की जो यात्रा शुरू हुई, आशा जगा, उम्मीद जगी और जो ये यात्रा आगे बढ़ी, उसी के बाद ये जनता से निकला हुआ एक आवाज है कि मोदी है तो मुमकिन। और 8 साल में अलग अलग सेक्टर, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि जिसकी चिंता केंद्र की सरकार ने नहीं की, और उसका परिणाम है कि आज, मतलब ये कोई भारतीय जनता पार्टी का डेटा नहीं है, IMF विश्व का 2-3 ऐसा संगठन में से एक है जो कि पूरी जो आर्थिक विषय है उसको किसी देश का, विश्व का, दुनिया का वही रखता है। और IMF का जो नया रिपोर्ट आया वो 8 साल के बारे में ये उसका कहना है भारत के बारे में। मित्रों, अभी विवेक ठाकुर जी पूछ कह रहे थे कि एक लाइन में क्या कहा जाए, तो मैं बस 4 शब्दों का प्रयोग करूंगा। उदयमान भारत, सुरक्षित भारत, दुनिया में प्रतिष्ठित भारत और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ भारत, यही है 8 साल की कहानी। हम क्यों आपके पास आते हैं? याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने जब सेंट्रल हॉल में 14 में वो बने थे नेता, तो वहां पर हम भी थे और डॉक्टर जायसवाल भी थे, तो उन्होंने बहुत भावुक भाषण दिया था। मैं हर साल देश को अपना रिपोर्ट दूंगा मैंने क्या किया, और हर साल हमको रिपोर्ट देते हैं। और आज जब 8 साल पूरे हुए हैं तो हम भी रिपोर्ट देने आए हैं। ये कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है, सिर्फ पटना में नहीं। कल मैं बाढ़ था, विवेक जी खगड़िया थे, अध्यक्ष जी बेतिया थे, आगे इनका कार्यक्रम है, बाकी नेता विभिन्न स्थानों पर है और पूरे भारत में कार्यक्रम चल रहा है। बिहार का मुझे देश के अन्य इलाकों में भी जाना है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व, अगर मैं इसको टुकड़ों में बांट के बताऊं तो भारत का सम्मान हमने कैसे बढ़ाया, देश के महान नेताओं के योगदान को भुलाने की कोशिश की गई थी, कांग्रेस गवर्नमेंट में, मार्क्सवादी गवर्नमेंट में, UPA गवर्नमेंट में। पहला काम, सरदार पटेल की प्रतिमा लगी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, आज वो उज्ज्वलता के साथ खड़ी है। आज भारत का सम्मान क्या बढ़ा है बताइए हमें आप। आज भारत अपनी विदेश नीति को स्वयं तय करता है, न रूस के दबाव में है, न चीन के दबाव में है, न अमेरिका के दबाव में है। जो भारत के हित में होगा वो हमारा हित होगा। हम सम्मान सबका करेंगे लेकिन हम अपना हित सबसे पहले देखेंगे। और जब आप इस तरीके से अपना स्टैंड लेते हैं तो अभी देखिए, जो हिंदुस्तान के बच्चे 23,000 फंस गए थे पूरे यूक्रेन में, मेडिकल के स्टूडेंट में, और अध्यक्ष जी मेरे ख्याल में आप भी यही मानेंगे, हम लोग को भी पहली बार मालूम हुआ कि बिहार के इतने बच्चे यूक्रेन में पढ़ते हैं, नहीं मालूम होता।
अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं गया, अध्यक्ष जी गए, बाकी लोग सब लोग गए, हमारे विधायक लोग भी गए। मारियोपोल में बिहार के बच्चे और हिंदुस्तान के बच्चे फंसे हुए थे, भाई लड़ाई चल रही थी, कैसे निकले? तो हमारे विदेश नीति के चलाने वाले ने कहा कि सर इसमें तो आप ही को बात करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन से बात की, राष्ट्रपति रूस के, और जेलेंसकी से बात की, राष्ट्रपति यूक्रेन के। उन्होंने कहा हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, आप दोनों लड़ाई बंद करिए, हमें अपने बच्चों को निकालना है, हम अपने बच्चों को नई चोट देखना चाहते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, जो दोनों बात नहीं करते, बात करके 3 घंटे के लिए लड़ाई रुकी और हिंदुस्तान के बच्चे वहां से निकाले गए। ये हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान है, ये आपको कहना है। और कई घटनाएं आपको बताएं, समय नहीं लेंगे। तो मैंने जो कहा ना, स्वाभिमानी भारत, सुरक्षित भारत, गरीबों के साथ विकास की ओर बढ़ता हुआ भारत और दुनिया में प्रतिष्ठित भारत, तो ये मैंने आपको कुछ उदाहरण बता दिया। आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि नरेंद्र मोदी, और हाँ ईमानदारी से काम हुआ है, ये जान लीजिए आप। ये बात मैं ताल ठोक कर कहूंगा, भारत सरकार के दफ्तर के गलियारों में बिचौलियों का आना बंद है, तो बंद है तो बंद है, चाहिए। तो मित्रों, इसलिए देश बदला है, हमें लगा कि कुछ अपनी बात आपके सामने रख दें, और बहुत कुछ कहने को है, लेकिन जो मैंने प्रमुख मुद्दे थे आपके सामने रखे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जो मोदी जी का संकल्प है कि भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाना है, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से भी। आप देख रहे हैं योग को आज दुनिया कितना सम्मान करती है, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि हमने कैसे काम किया। बाकी विवेक जी ने राम मंदिर की बात की, आर्टिकल 370 की बात की, 3 तलाक, ये सब कितने इनसे पेंडिंग था बताइए आप। और कितनी शांति से कि मुस्लिम कंट्रीज में भी 3 तलाक पर नियंत्रण हुआ था, लेकिन भारत में वोट बैंक की पॉलिटिक्स में नहीं होता था। तो आज देखिए आप, मुझे देश के कानून मंत्री के रूप में वो करने का सौभाग्य मिला, और आज बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं बहुत ही खुश हैं। आज मैं अपने पटना के पत्रकार मित्रों को एक रोचक कहानी बताना चाहता हूँ। जब मैं संसद में इसको रखने के लिए रिसर्च कर रहा था, तो यूपी में सबसे अधिक 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं थी। तो मैंने कहा कैसे होता है भाई, कहा रोटी काली हो गई तो 3 तलाक, पत्नी लेट से उठी तो 3 तलाक। और सबसे माननीय अध्यक्ष जी, एक क्लासिक किस्सा मैंने सदन में बताया था कि एक मुस्लिम महिला उत्तर प्रदेश में मोदी जी के भाषण में सुनने चली गई तो पति ने दे दिया 3 तलाक। क्या मजाक था ये? उन्होंने कहा कि ये विषय नारी गरिमा, नारी न्याय का है, सियासत और इबादत का नहीं है। तो ये आपने देखा कैसे बदलाव हुआ है, सुरक्षा में, राष्ट्रीय स्मृति में, ये सब बातें आई हैं। कश्मीर के बारे में एक बात मैं अवश्य कहूंगा अपने पटना के पत्रकार मित्रों को, 370 के कारण कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लगता था। मालूम है आपको, जितना लूटा है लूटो, सीबीआई कुछ नहीं कर सकती, राइट टू एजुकेशन नहीं लगता था। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो सर पे मैला ढोने वालों के खिलाफ कानून पारित हुआ था, वो भी कानून वहां नहीं लगता था। अब आप देख लीजिए, और तो और बिहार में आरक्षण की बात होती है तो वहां पर ओबीसी को भी आरक्षण नहीं मिलता था कायदे से, हमने खुद देखा है, और SC ST को भी बेनिफिट नहीं मिलता था। तो यह बदलाव उन्होंने करके दिखाया। आर्थिक की बात माननीय विवेक ठाकुर जी ने कर दी है, मैं उसको नहीं छूंगा। मोदी जी ने कहा था मेरी सरकार गरीबों के लिए जिंदा रहेगी, उनके लिए काम करेगी। अब मैं बस 4-5 बिंदु आपको बताना चाहता हूं। गरीब माताओं को हम गैस का चूल्हा देंगे, आपको मालूम है, आपकी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हमारे पटना में 2,63,100 महिलाओं को यह मिला है, और देश भर में 3 करोड़ मिला है। मैं आपको एग्जैक्ट अधिकृत नंबर दे रहा हूं जो एक दिन पहले के हैं। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यह क्या है? हम देते हैं हर किसान को, 11 करोड़ किसान को, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया हर साल, 6,000, 2,000, 2,000, 2,000,
एक उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अभी तक हम लोग पटना के 164,842 किसानों को किसान सम्मान निधि दे चुके हैं, और देश में अगर 11 करोड़ को मिला है तो बिहार में 89 लाख को मिला है। तो मैं आपको बिल्कुल जमीन पर जो हकीकत उतरी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसी प्रकार से आपको मालूम है कि ये जो प्रधानमंत्री एक बहुत ही रोचक कार्यक्रम है, गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ लोगों को अनाज खिलाया गया। उसमें हमारे पटना जिले में 40,37,000 लोगों को ये योजना मिली है। तो ये मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिया। ये जो स्वच्छता का अभियान है उसमें भी लगभग 4,19,000 टोटल ग्रामीणों को यह स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय वगैरह मिला है। तो मैंने आपके सामने ये सारी बातें रखी, क्यों रखी, कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। एक बात अब देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। अभी विवेक जी ने एक आंकड़ा बताया, क्या आपको मालूम है कि कितना, लगभग 2,00,000 किलोमीटर से भी अधिक सड़कें बनी हैं 8 साल में हिंदुस्तान में। नेशनल निकाल के दो, अभी हम लोग अध्यक्ष जी सब लोग कटिहार गए थे, आपसे भी आग्रह करूँ आप लोग भी जाइए। पटना से झंझारपुर होते हुए हम लोग कटिहार पहुँचे, लगा कि गाड़ी उड़ रही थी। आप दरभंगा से जाइए, दरभंगा मधुबनी होते हुए जाइए, या उधर से आइए बेगूसराय से, आप अध्यक्ष जी के क्षेत्र में बेतिया जाइए, तो पहले तो हमको याद है इनके पिताजी कई बार कार्यक्रम में हमको बुलाते थे, तो बिल्कुल वापिस लौटने के बाद शुद्ध बिहारी भाषा में डांड में दर्द हो जाया करता था। आज इनके यहाँ उड़ते हुए जाते हैं, ये तो अभी सुबह फोन करके मैं आ रहा हूँ और 3 घंटे में पहुँच गए। ये हुआ है, ये आपसे हम कहना चाहते हैं। हर गांव में बिजली पहुँची कि नहीं पहुँची बता दीजिए आप। पीएम का था ना सप्ताह, उसमें बिहार सरकार ने भी काम किया है। हर गाँव में बिजली पहुँची है और 8 साल में भारत नेटवर्क दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। 8 साल में 3,85,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, मैंने बिजली कहा, मैंने सड़क कहा, अब तीसरा मैं एक ऐसा विषय बताना चाहता हूं जिसमें थोड़ा मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है, आईटी और संचार मंत्री के रूप में। भारत की आबादी 135 करोड़, भारत में आधार कार्ड 133 करोड़, भारत में फोन 120 करोड़, मोबाइल फोन 118 करोड़, स्मार्टफोन 75 करोड़, इंटरनेट 80 करोड़। अब आप लोगों से हम लोग बहुत दिन से बात करते हैं, मैं पार्टी का प्रवक्ता मुख्य प्रवक्ता, आपने मुझे कई बार झेला है इसी हॉल में या बगल के हॉल में। आप कैसे बदले हैं, ये देखिए स्मार्टफोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, ये स्मार्टफोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहाँ स्मार्टफोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कैसे हमने देश के टेक्नोलॉजी को बदल दिया कि बड़े बड़े कैमरा समाप्त और छोटे कैमरा से आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और साथ में वापस भी कर दे रहे हैं। फेसबुक में भारत दुनिया में नंबर एक है, व्हाट्सएप में भारत दुनिया में नंबर एक है। अभी कोरोना आया ना, आप सबों को कहाँ टीका लगेगा ये आपके मोबाइल पर आता था कि नहीं आता था, बोलिए। लगभग 190 करोड़ लोगों को टीका लगा, और क्या गांव हो क्या शहर हो, आपका टीका इस तारीख को इस स्थान पे लगेगा। ये कैसे हमने करके दिखाया। तो हमारे जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्म करना है, हमें बदलाव करना है। तो मैं ट्रांसफॉर्म का सिर्फ 4 एग्जाम्पल बताया, हर गांव में बिजली, इतना बड़ा नेशनल हाईवे, गरीबों की चिंता और टेक्नोलॉजी, ये आपके सामने में। मित्रों, मैं अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उसको भुलाया गया, उनकी प्रतिमा लग रही है दिल्ली के राजपथ पर, जहां कभी इंग्लैंड के महाराजाओं की प्रतिमा लगती थी। और तीसरा, डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को भुलाया गया, तो आप देख रहे हैं कि उनके पांचों तीर्थ स्थल को, चाहे इंग्लैंड का उनका जहां रहते थे वो है, जहां उनका जन्म हुआ, जहां दिल्ली में रहते थे और जहां उनका अंतिम निर्वाण हुआ, और जहां उन्होंने बुद्ध धर्म में
एक प्रकार से सिद्धि पाई थी। यह होता है आने वाली पीढ़ी को देश के महान नेताओं का योगदान बताने की। मैं पहली बात सुरक्षा से शुरू करूंगा। आप मुझे यह बताइए कि हमने उरी में पिटाई की और बालाकोट में धुनाई की, सच्चाई है? आज तक पाकिस्तान कुछ कर पाया क्या? और दुनिया ने पाकिस्तान की ओर देखा क्या? और अगर गलवान में कुछ हुआ तो उसका जवाब भी सख्ती से दिया गया, दुनिया ने कुछ किया क्या? यह है भारत का नया पराक्रम। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत क्या है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। जब गडकरी जी अध्यक्ष थे तो राजनाथ जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, हम लोग कश्मीर जाएंगे और वहां का पूरा सिस्टम जानेंगे। क्या बदलाव हुआ है? लगभग मैं उसका सचिव था, माननीय नड्डा जी थे, शायद शाहनवाज जी भी थे, हम लोग 20 बार कश्मीर गए। लद्दाख में एक अजीब बात मालूम हुई, वहां गांव के मुखिया ने कहा कि सर जब भी ये ग्रामीण सड़क बनती है तो उधर से चाइना से विरोध करते हैं और सड़क का बनना रुक जाता है। नहीं, क्या बात है भाई? तो शाम को 2 सेना के पदाधिकारी को मैंने बुलाया मिलने के लिए, दोनों संघ के संयोजक निकल गए, कानपुर का एक देहरादून का, कहा था दिल्ली से इंस्ट्रक्शन है चीन को इरिटेट मत करो। हमने कहा सड़क बनती है भारत में तो इसमें क्या इरिटेशन? फिर दिल्ली उन्हें संसद में एक सवाल किया, मैं उस समय राज्यसभा में था, मेरा पहला सवाल था तो लग गया। तो उस समय के विदेश मंत्री ने कहा मैं रवि से आग्रह करूंगा सवाल मत पूछिए। ना, क्यों नहीं पूछे भाई? पहला सवाल है हमारा कि क्या सीमाओं पर लद्दाख में सड़क बनाने पर कोई रोक है क्या, बताएं विदेश मंत्री। आधा घंटा बहस चली, हामिद अंसारी थे उपराष्ट्रपति, रवि जी छोड़ दीजिए प्लीज छोड़ दीजिए, मैं बैठना पड़ा मुझे। बाद में वो मुझसे मिलने आए, मैंने कहा क्या बात थी महाराज विदेश मंत्री जी? कहा हमें चीन को इरिटेट नहीं करना है इसलिए हम सड़क नहीं बनाते। तो हमने पूछा ये कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन है? कहा हमारी सरकारी लाइन है। और आज देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में क्या अरुणाचल, क्या कश्मीर, क्या हिमाचल प्रदेश, क्या लद्दाख, हर जगह सेना के लिए सड़कें बन गई हैं, पुल बन गया है, सेना सालों भर जाती है और कोई कुछ नहीं कर सकता। यूएई में योग होता है, आज सऊदी अरेबिया में योग होता है, आज चाइना में योग होता है और चुपके चुपके पाकिस्तान में भी योग होता है, मालूम है ना आपको? और जो लोग यहाँ विरोध करते हैं सब शांत हो गए। योग भारत की शाश्वत विरासत, उसने दुनिया में अपना स्थान बना लिया। और जब मोदी जी स्वयं राजपथ पर योग करते हैं तो दुनिया में एक संदेश जाता है, तो भी जानते हैं। तो मित्रों, इन्हीं सभी शब्दों के साथ 8 साल पूरा होने पर हम सभी भारत के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हैं और बिहार भाजपा माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और पटना महानगर हमारे महानगर अध्यक्ष की ओर से हम सभी सामूहिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामना देते हैं। इसी प्रकार से वो देश का आने वाले कई वर्षों में नेतृत्व करें। अच्छा ये बताइए, हम लोग 1.5 घंटे से इतना भाषण दे रहे हैं, आपको इस पर कुछ नहीं पूछना है? धन्यवाद धन्यवाद। आज बिहार का एक माइग्रेंट लेबर जो है मिलकुश कुमार 17 साल का कश्मीर में मारा गया और आपके बगल में बैठे जितने नेता और स्वयं आप भी इस सरकार, क्या यही स्वाभिमानी बिहारी कभी बन पाएगा? इसके दो उत्तर मैं दूंगा। पूर्व में भी एक आध घटना वहां हुई थी, मुझे मालूम है नीतीश जी की सरकार ने बहुत काम किया जो गोलगप्पा वाले की डेथ हुई थी श्रीनगर में और अभी भी कर रहे हैं। और वहां पर हम इतना ही कहेंगे कि 370 हटने के बाद ये पाकिस्तान प्रायोजित हताशा भरी कार्रवाई है और जो करते हैं उनकी जिंदगी 2-3 दिनों की आप ही जानते हैं। अब जहां तक बिहार की बात है, जनगणना पर आज का विषय नहीं है, आज आपको हमने बहुत विषय दिया, इस पर हम बात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद कर देना, ये रिलीज कर दें, हैंडबिल ना ये पंपलेट रिलीज कर दें हम लोग बिहार सरकार। चलिए चलिए, अब चलिए, अब अध्यक्ष उठ गए, अब अध्यक्ष उठ गए, थैंक यू। चलिए चलिए भाई, कल दोनों राज्यसभा के सदस्यों को इंट्रोड्यूस भी मैं आप लोगों सबके सामने करूंगा और जो भी आप लोग के बिहार को लेकर सवाल है सबका जवाब कल मैं एक बजे दूंगा। आज केवल टॉपिक सेंट्रल गवर्नमेंट की उपलब्धि रहने दीजिए। चलिए साहब आइए, हम लोग पूरी उपलब्धि को जारी कर रहे हैं।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।